शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरी भुजिया की रेसिपी आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा एंड तक, तो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और भुजिया सभी को पसंद होती है, आलू की भुजिया तो मुझे भी बहुत पसंद है, हमें घर में बच्चों को भी बहुत पसंद होती है। तो आप लोग देखिए मैंने भुजिया कैसी बनाई है। तो चलिए आज होली स्पेशल आलू की भुजिया बनाते हैं। ये मैंने क्या क्या लिया है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये देखिए बेसन लिया है, ये बेसन मेरा करीब 500 ग्राम है। और ये आलू है, आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है, तो आलू भी मेरे करीब 500 ग्राम ही है। तो ये देखिए इन आलू को मैंने बॉईल कर के और छील लिया है, छील के निकाल लिए हैं। और अब मैं मसालों में आप लोगों को दिखाती हूँ तो कि मसालों में मैंने क्या क्या लिया है। तो मसालों में ये लाल मिर्च पाउडर है मैंने लिया है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं लाल मिर्च। और नमक भी टेस्ट के हिसाब से, और गरम मसाला है करीब, मैं इसमें से गरम मसाला लूँगी आधा चम्मच ही लूँगी, बहुत ज़्यादा गरम मसाला नहीं लूँगी। और ये हल्दी पाउडर है, और ऑयल लिया है मैंने। तो चलिए अब मैं इन सभी चीज़ों को मिक्स करके बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने किस तरीके से बनाया है। तो फिर फ्रेंड्स देखिए मैंने इसके आलू को मैश कद्दूकस कर लिया है, और अब मैं इसमें मसाले और ये सभी ऐड मिर्च ऐड करूँगी इसमें। मैंने मिर्च देखी लाल मिर्च और नमक टेस्ट के हिसाब से हमको ऐड करना है इसमें। तो गरम मसाला में बहुत थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी। और हल्दी भी ये देखिए मैंने इतनी ऐड की है। अब मैं इसमें जो मैंने बेसन लिया है इसको मैं इसमें ऐसे मैश कर लूँगी। तो ये देखिए पहले मैं इन सभी का एक ग्रुप तैयार कर लूँगी अच्छे से। फ्रेंड्स देखिए मैंने ये बैटर तैयार कर लिया है, हमको इस तरीके से बैटर तैयार करना है। और अब मैं नमकीन बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए देखिए मैंने किस तरीके से नमकीन बनाई है। तो नमकीन बनाने के लिए जो मशीन आती है मैंने इसमें लिया है, तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा बैटर लेके और डालती जाऊँगी तेल में। और मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, तो जैसा कि देख रहे हैं आप तेल गर्म हो रहा है मेरा। और ये जो मैंने साँचा लिया है बनाने के लिए नमकीन बनाने वाला, तो इसमें मैं ऑयल लगा लूँगी और फिर थोड़ा थोड़ा लेके मैं नमकीन बनाती रहूँगी। और इसको मीडियम फ्लेम पे सेकना है, और बस बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है नमकीन घर में हमारी। Thank you.
तो ये देखिए मेरी बनके रेडी हो गई है। तो बनी है ना, देखिए एकदम बढ़िया करारी और बिल्कुल बाजार जैसी आलू भुजिया बनके तैयार हो गई है मेरी। तो अब मैं इनको तोड़ दूंगी सबको, और ये बहुत आसानी से टूट जाएंगी। तो देखिए, और मैं इसको बिल्कुल, आप आराम से इसको आराम 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हो, एयरटाइट डब्बे में रखिए और खाइए इस होली, अपने घर पे बनाइए। तो गाइस, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।